एवरीवन, आज बात करेंगे पैर की उंगली जो होती है उसके रहस्य की। ये भी मैंने कहीं से टैगलाइन पढ़ा था, मैंने तो कोई रहस्य देखा नहीं। देखिए, पहले जब मैं छोटी थी ना तो सुना हुआ था कि पैर की उंगली अगर बड़ी होती है तो लड़की कंट्रोल करती है, पैर की उंगली अगर बड़ी लड़के की होती है वो लड़का कंट्रोल करता है, लेकिन ये सब मिथ्स हैं। अगर राहु के त्रिकोण में शुक्र है तो कौन कंट्रोल करेगा? लड़की करेगी। अगर राहु के त्रिकोण में मंगल है तो कौन कंट्रोल करेगा? लड़का। ये पैरों के कोई रहस्य नहीं है। फिर बोला कि पैरों के नीचे तिल होता है तो बड़ी यात्राएं होती हैं। मेरी तो पैर के नीचे तिल है, मैं तो कभी घर से लांगी भी नहीं, मतलब अभी बस एक टूर याद है या एक आधा टूर याद है, मतलब कोई आप देख लीजिए मेरा सोशल में जाना, सोशल एक्टिविटी में बिल्कुल मेरा कोई पार्ट नहीं है, कहीं सेमिनार्स हो जाए कुछ नहीं। मैं इसका मतलब ये भी मिथ्स है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ, मैं उसी चीज़ पर बिलीव करती हूँ जिसका मैं यथार्थ देखती हूँ। कोई ना कोई ये पूंछ पकड़ के बैठे रहते हैं कि उंगलियों से होता है, पैरों से होता है और पैरों के ये रहस्य हैं। आप लोग क्यों नहीं सच्ची इंफॉर्मेशन देते? पैर क्या है? शनि। और शनि किसके कारक हैं? कर्म के। अभी मैं ये 2007 में जब मुझे टीबी हुई थी तो मैं लिंप करके चलती थी, इट मींस कि मुझसे कोई गलती हुई है, जबकि मैंने कोई गलती करी नहीं। उसके बाद मेरे को उनको ठीक कर दिया, उसके ठीक बाद मैं 9 में सीधा उन्होंने मुझे एंट्री दे दी, यानी उस एग्ज़ाम से पास करके उन्होंने सीधा मुझे कहाँ बना दिया? एस्ट्रोलॉजर। अगेन अभी पिछले साल जब मेरे को ब्लड लगा तो मेरे पैरों में फ्लो नहीं, तो मैंने कहा भगवान मैं तो आपके कहने पर ही चलती हूँ, सच बोलती हूँ, कभी ये नहीं सोचती कि कोई कैसी किसी को झूठ बोलकर या किसी को डरा कर कमा लूँ। हाँ, अपने मेहनत का नहीं छोड़ती, वो कार्मिक अकाउंट में अपने अंदर नहीं लेती, लेकिन फिर आपने मेरे को ये पैरों में इतना दर्द दिया। उसके बाद मैंने 1.5 घंटे का पहले सैर से स्टार्ट किया, फिर 2 घंटे के वर्कआउट के बाद मैं सिर्फ 2 महीने में ही ठीक हो गई, क्योंकि वो नसें खुल गई पैरों की और ब्लड फ्लो चलना शुरू हो गया। तो कभी आप प्लैनेट का मूवमेंट देखिए कि प्लैनेट का दृष्टि संबंध क्या है। और अगर मैं सच बताऊँ, 6 लॉर्ड होके अगर मंगल मेरी आंखों पर भी दृष्टि डालता, मेरे आईज में भी प्रॉब्लम हो जाती है। उन दिनों में पूरे 2 साल में वो एक बार चक्र वहाँ लगाता है। इम्पैक्ट क्या है? धरिदा होते हुए भी चीज़ वो ना मिल पाना, तो ये गोचर का इम्पैक्ट है। लेकिन आप लोग हर चीज़ में से एस्ट्रोलॉजी का भ्रम निकाल के लोगों में जो वहम बरते हो वो गलत है। हर चीज़ में जो होप दे देते हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये होने से बड़ा भाग्यशाली होगा। रिसेंट मेरे पास एक 2003 का चार्ट है, उस साल सारे प्लैनेट एग्जॉल्टेशन थे। और लड़की क्या बोल रही है? मेरी गोल्डन कुंडली। अगर आपकी गोल्डन कुंडली, आपको किसी की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ही नहीं कुछ। ऑल प्लैनेट आर एग्जॉल्टेशन मीन्स योर कुंडली इज ज़ीरो, सारे भाव खराब हो जाएंगे। तो ये आर्ग्यूमेंटल हो जाती है फिर चीज़ें, आप सुन नहीं पाते, उसके बाद क्या है, मेंटली तैयार नहीं हो सच सुनने के लिए, फिर चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी दोनों तरफ से बोलती है, सच बोलती है तो भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नहीं बोलती तो कहते हैं आप लोग धूल तो मकार हो। तो दोनों तरफ उधर दो धारी तलवार में वो लटका हुआ पापकर्तरी योग में बैठा हुआ है एस्ट्रोलॉजर। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात पर चलती हूँ, जैसा शनि ने बोला, क्योंकि शनि की महादशा है और शनि कर्म के और कर्म फल के कारक है। जो ने मेरे नसीब में लिख दिया है, अगर 1 रुपया लिखा है वही मिलेगा। मैं भागती नहीं हूँ चीज़ों के पीछे, लेकिन सच का साथ छोड़ती नहीं, इसी के वो कारक हैं। और हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, इन भ्रम में मत फंसिए। मेरा टैगलाइन ही यही होता है कि ये चीज़ें जो निकल के आती है ना, कि पैर की उंगली का रहस्य और ये वो, अगर सिर्फ पैरों की उंगलियों के रहस्य क्या होते हैं वो कभी समझ नहीं आए। जो चीज़ समझ ही नहीं आ रही, उसका आपने रिजल्ट नहीं देखा, तो आप अपलोड क्यों कर रहे हैं? आप लोग सच से जुड़े, सच जाने, और आपका सच है आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, एक भ्रम को तोड़ने के लिए। बाय।